हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोटल स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल, यानी बोर्ड मास के नियम, जो कि फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन या हम जब सरलीकरण करते हैं तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। यानी पूरा का पूरा जो सिंप्लीफिकेशन होता है या जो पूरा सरलीकरण होता है वह पूरा का पूरा बोर्ड मास रूल पर ही होता है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बोर्ड मास यानी BODMAS रूल यानी नियम। तो फ्रेंड्स बी से क्या होता है, ब्रैकेट। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोष्टक। तो फ्रेंड्स कोष्टक हमारा चार प्रकार का होता है। एक तो रेखा कोष्टक होता है, इसे हम रेखा कोष्टक कहते हैं, और ये जो होता है इसे हम छोटा कोष्टक कहते हैं, और एक ये होता है मझला कोष्टक, और ये हमारा ये होता है बड़ा कोष्टक। तो फ्रेंड्स बोर्ड मास के रूल में बी पहले आता है यानी ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम पहले हल करते हैं, यानी ब्रैकेट के जो मान है उसको हम पहले हल करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसके बाद हम दो तीन एग्जांपल लेंगे जिसके द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ। ऑफ का मतलब दोस्तों का होता है, यानी प्रश्न में अगर का जिक्र हो तो का ऑफ यानी का मीन्स गुणा, का अर्थ हम गुणा से लेते हैं। तो यहाँ पर डी, डी से क्या हो गया, सॉरी डी, डी से डिवीजन, डी से डिवीजन यानी भाग। डी से फ्रेंड्स डिवीजन यानी भाग। एम, एम ले लेते हैं, डी से डिवीजन हो गया भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी फ्रेंड्स गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। एम से ए से ले लेते हैं, ए से एडिशन, ADDITION, एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़। और एस, एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन फ्रेंड्स यानी घटाना। तो फ्रेंड्स इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा कोष्टक का भाग गुणा यानी इनका जो पहला अक्षर है, इनका जो पहला अक्षर है उन्हीं को सरल रूप में हम क्या लिख लेते हैं, बोर्ड मास। उन्हीं का पहला अक्षर उठाकर और उन्हें हम याद रखने हेतु उन्हें बोर्ड मास नाम दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो हल करते हैं, हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर देंगे, उसके बाद ऑफ वाले को का हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको उदाहरण द्वारा आसानी से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घटाना आप तो चिन्ह जानते ही हैं, जोड़ का भी, और गुणा का चिन्ह, और डिवाइड का चिन्ह, और का तो इस रूप में ही मिलेगा या ऑफ के रूप में मिलेगा, और कोष्टक इस रूप में आपको प्रश्न में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए कुछ प्रश्नों द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे क्वेश्चन है 5 यानी 5 + 4 यानी 4 - 12 और डिवाइड का चिन्ह है 3 और छोटा कोष्टक है 7 - 5। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा है कि पहले तो BODMAS, बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी हम क्या करते हैं कोष्टक को हल करते हैं, बी यानी ब्रैकेट। तो सबसे पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। तो यहाँ पर 5 + 4 - 12 और डिवाइड 3। अब फ्रेंड्स कुछ लोग होंगे कि यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो मल्टीप्लाई के चिन्ह लगा देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है, हमें कोष्टक वाले को पहले हल कर लेना है। तो यहाँ पर 7 - 5 है यानी 7 - 5 है, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा और कोष्टक तोड़ेंगे तो इंटू का यानी गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और 7 में से 5 गए 2। फ्रेंड्स ये हमारा हल हो गया ब्रैकेट। अब बी के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, ओ, ओ यानी ऑफ। ऑफ तो प्रश्न में ऑफ का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ऑफ के बाद क्या आता है, डी यानी डिवीजन यानी भाग। तो फ्रेंड्स इसमें हम इसके बाद भाग कर लेंगे, तो 5 + 4 - अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 12 - 3 है, यानी 3 का हम 12 में भाग देंगे, 3 चौका 12,
चार बार में और यहाँ पर गुणा में दो। अब डिवाइड के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, एम बी ओ डी, बी ओ डी एम ए एस एम यानी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, फाइव प्लस फोर माइनस, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो चार दूनी आठ। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, ए आएगा यानी ऐड, एडिशन, तो हम जोड़ देंगे। तो पाँच और चार कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, नौ हो जाएगा और माइनस आठ। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना जो करते हैं फ्रेंड्स, वो है लास्ट में करते हैं। तो नौ में से आठ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वन यानी एक। तो फ्रेंड्स एक हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को कर ले जाएंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ माइनस तीन सही, तीन बटा ग्यारह का एक सही, दो बटा नौ भागे सात बटा नौ का पाँच बटा सात, पाँच सही एक बटा सात बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं का भी जिक्र हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे हम पहले का को हल करेंगे, यानी ब्रैकेट तो है नहीं, बी तो है नहीं, ओ यानी ऑफ, ऑफ माने का, तो पहले उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ को हल करेंगे। तो ऑफ को हल कर लेते हैं, नाइन माइनस तीन सही, इसे हम फ्रेंड्स साधारण भिन्न में बदल कर लेते हैं क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है। तो ग्यारह तीन तैंतीस, तीन छत्तीस बटा ग्यारह, और का मतलब होता है फ्रेंड्स गुणा, का मतलब होता है गुणा। तो इसे हम एक कोष्टक में कर लेते हैं क्योंकि हमें का को पहले हल करना है। तो गुणा नौ इक्का नौ, नौ इक्कम नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह बटा नौ, डिवाइड का चिन्ह लगा लेते हैं, सेवन बाई नाइन सात बटा नौ, और का अर्थ है गुणा, और सात पच्चे पैंतीस एक छत्तीस बटा सात। तो पहले फ्रेंड्स हम इस का वाले, क्योंकि ये गुणा जो है ये का वाला पार्ट है, तो हम पहले का वाला को हल करते हैं फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो नौ माइनस नौ चौक छत्तीस, ग्यारह से ग्यारह कट जाएगा तो नौ माइनस चार बचेगा, और यहाँ पर डिवाइड है तो सात से सात कट जाएगा, नौ चौक छत्तीस, यहाँ पर भी चार बचेगा, तो चार से चार डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एक बचेगा। चार का चार में भाग देंगे तो एक ही बचेगा, चार का चार में भाग कितने बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा, तो नौ माइनस एक कितना आ जाएगा, आठ। तो फ्रेंड्स आठ हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप अन्य प्रश्नों का भी बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।